हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर आलम। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपका नाम है अरविंद गैंगवाल। आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि लिसन और हियर में क्या फर्क है, जबकि दोनों का मतलब सुनना होता है। कैसे जाने कि सुनने के लिए हमें वर्ड लिसन का यूज करना है या हियर का यूज करना है? तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस कंसेप्ट को समझते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन या डाउट्स है तो आप अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वर्ड हियर, वी यूज हियर फॉर साउंड्स दैट कम टू आवर ईयर्स विदाउट अस नेसेसरीली ट्राइंग टू हियर देम। एंड लिसन, लिसन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब पेइंग अटेंशन टू साउंड्स दैट आर गोइंग ऑन। Example, she was listening her teacher carefully. Friends, सुनने के लिए हम word hear का use तब करते हैं जब कोई sound आप रूपी यानी खुद बखुद हमारी कानों तक आए। मतलब जब हम किसी बात को सुनने के लिए कोई भी attention pay नहीं करते हैं, कोई ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि वह बात आप रूपी मेरे कानों तक आती है या वह आवाज खुद बखुद मेरे कानों तक आती है। तो इस तरीके के साउंड के लिए यानी सुनने के लिए हम वर्ड हियर का यूज करते हैं। जैसे आई हर्ड समवन क्राइंग एट नाइट, मैंने रात में किसी को चीखते हुए सुना। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस से ये पता चला रात में कोई आवाज या कोई चीख आप रूपी मेरे कानों तक आई थी। मैं उस चीख या आवाज को सुनने के लिए कोई भी अटेंशन पे नहीं किया, बल्कि मैं तो बैठा हुआ था, आप रूपी वह चीख मेरे कानों तक आई। तो फ्रेंड्स, उस तरीके का साउंड जो आप रूपी आपके कानों तक आती है, जिसे आप सुनने के लिए कोई भी कोशिश नहीं करते हैं, आप हियर का यूज करते हैं। हम वर्ड लिसन का यूज तब करते हैं जब हम किसी साउंड को सुनने के लिए स्पेशली यानी खास अटेंशन पे करें। मतलब लिसन इज यूज टू डिस्क्राइब पेइंग अटेंशन टू साउंड दैट आर गोइंग ऑन। वह साउंड जो चल रहा है उसे सुनने के लिए अगर हम अपने अटेंशन को पे करते हैं, यानी हम उसे सुनने की कोशिश करते हैं, उसे सुनने के लिए अपने ध्यान को लगाए रखते हैं, तो यहाँ वर्ड लिसन का यूज करते हैं। जैसे शी वॉज लिसनिंग हर टीचर केयरफुली, वह अपने उस्ताद को ध्यान से सुन रही थी या वह अपने उस्ताद को गौर से सुन रही थी। फ्रेंड्स, जब आप क्लासरूम में बैठते हैं तो क्लासरूम में बैठकर आप टीचर को सुनने की कोशिश करते हैं, यानी आप अपने अटेंशन को टीचर के साउंड पर रखते हैं कि टीचर क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ आपने सुनने के लिए अपने अटेंशन को पे किया, आपने सुनने की कोशिश की, आपने अपना पूरा ध्यान सुनने पर लगाया। यहाँ हम वर्ड लिसन का यूज करेंगे। जैसे अभी मैं जो बोल रहा आप उसे सुनने की कोशिश कर रहे हैं, या आप अपने अटेंशन को पे कर रहे हैं मुझे सुनने के लिए या मेरे साउंड को समझने के लिए, यहाँ पर हम लिसन का यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह कंसेप्ट समझ में आया होगा कि सुनने के लिए हम वर्ड हियर का यूज तब करते हैं जब कोई साउंड आप रूपी हमारे कानों तक आए, जिसे सुनने के लिए हम कोई भी कोशिश नहीं करते हैं, वह आवाज आप रूपी मेरे कानों तक आती है। लेकिन अगर किसी चीज को सुनने के लिए हम अपने अटेंशन को पे करें, यानी हम ध्यान लगाएं, कोशिश करें, तो इस तरीके की सुनने के लिए हम वर्ड हियर का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, अगर कहना हो गौर से सुनो तो आप कहेंगे लिसन केयरफुली। आप यह वर्ड लिसन का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग से कह रहे हैं कि जो मैं बोलने जा रहा मेरे साउंड पर अपने अटेंशन को पे करो, यानी अपने ध्यान को लगाओ। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह बात समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर करना ना भूलना। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम शुड के सभी कंसेप्ट सीखेंगे, ताकि जब बात किसी को सलाह देने की हो तो आप कहीं पीछे ना रह जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि शुड का क्या यूज है और किस कंडीशन में आप शुड का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब बात ड्यूटी यानी कर्तव्य की हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी की हो, सलाह यानी एडवाइस की हो या फिर
पॉसिबिलिटी यानी संभावना की हो, शुड का यूज किया जाता है। यानी शुड का यूज ड्यूटी के सेंस में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस में, एडवाइस के सेंस में कैसे किया जाता है, चलिए इन सब बात को एक एक करके समझें। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ दो एग्जाम्पल लिखा हुआ है और हम दोनों को ट्रांसलेट करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ग्रामर में वीक हैं या आपको ग्रामर बहुत कम आती है, फिर भी टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपको अंग्रेजी ट्रिक से समझाता हूँ। अगर आप थोड़ा सा केयर करें और वोकैबुलरी तैयार करें तो शानदार तरीके से अंग्रेजी बोलने का ख्वाब पूरा होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। कैसे, चलिए इस बात को एग्जाम्पल में समझते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखा हुआ है और हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। कैसे करेंगे फ्रेंड्स, जो वर्ड सबसे पहले है उसका अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर पीछे जाएंगे और पीछे से एक एक वर्ड का अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आएंगे। सबसे पहले लिखा है आपको, उसका अंग्रेजी होगा यू। पीछे चलिए, चाहिए का अंग्रेजी होता है शुड। आराम करना को अंग्रेजी में कहते हैं टेक रेस्ट, और अब को अंग्रेजी में कहते हैं नाउ। यू शुड टेक रेस्ट नाउ, अब आपको आराम करना चाहिए। कैसे ट्रांसलेट किया, जो वर्ड सबसे पहले था उसका अंग्रेजी मैंने सबसे पहले लिखा, फिर पीछे से एक एक वर्ड का अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आया, और ये ट्रांसलेट हुआ। आइए फ्रेंड्स, दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं। आपको बुजुर्गों की सलाह सुननी चाहिए, सबसे पहले लिखा है आपको, उसका अंग्रेजी होगा यू। चाहिए के लिए हम लिखेंगे शुड। सुनना कब होता है लिसन टू। सलाह को कहते हैं फ्रेंड्स द एडवाइस। की का अंग्रेजी होता है ऑफ, और बुजुर्गों को कहते हैं एल्डर्स। यू शुड लिसन टू द एडवाइस ऑफ एल्डर्स, यानी आपको बुजुर्गों की सलाह सुननी चाहिए। मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि एल्डर और ओल्डर्स में क्या फर्क है, यानी एल्ड और ओल्ड में क्या फर्क है, एल्डर और ओल्डर में क्या फर्क है, एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट में क्या फर्क है। दोनों का मतलब बुजुर्ग लोग या बड़े लोग होता है। एल्डर का यूज हम अपने फैमिली के बड़े लोगों के लिए करते हैं, लेकिन अगर बात फैमिली से बाहर हो, यानी अगर आप किसी ऐसे बड़े लोग की बात कर रहे हैं या किसी बुजुर्ग की बात कर रहे हैं जो आपके फैमिली से नहीं है, तो आप एल्डर का यूज नहीं बल्कि ओल्डर का यूज करेंगे। अगर कहना हो मेरा बड़ा भाई, मैं नहीं कह सकता माई ओल्डर ब्रदर, मैं कहूंगा माई एल्डर ब्रदर, क्योंकि वह मेरे फैमिली से है, वह मेरे ही कुंबा से है। यही फर्क होता है फ्रेंड्स, ओल्ड एल्ड, ओल्डर एल्डर, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये ट्रांसलेट हुआ। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ताकतवर लोगों को दुर्बलों का सहायता करनी चाहिए, चलिए इसको ट्रांसलेट करें फ्रेंड्स। ताकतवर लोगों को कहते हैं द स्ट्रॉन्ग। द स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर लोग, सबसे पहला वाला अंग्रेजी लिखा गया। आइए पीछे से आगे क्यों चले, चाहिए यानी शुड, सहायता करना हेल्प, दुर्बलों का द वीक। ताकतवर लोगों को दुर्बलों का सहायता करनी चाहिए, द स्ट्रॉन्ग शुड हेल्प द वीक। द स्ट्रॉन्ग ताकतवर लोग, द वीक कमजोर लोग। आइए फ्रेंड्स, अब इसको ट्रांसलेट करें। यहां पर आपको एक नया चीज मिलेगा, नहीं। बाय गॉड, अगर आपके सेंटेंसेस नकारात्मक हो यानी नहीं आया हो, तो आपके सामने दो ऑप्शन होता है, या तो आप शुड के बाद नॉट लिखें, या फिर आप शुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म शुडंट का भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं खुद देख लीजिए। विद्यार्थियों को कहते हैं स्टूडेंट्स। पीछे आइए, चाहिए तो आप लिखिए शुड, उसके बाद नहीं का अंग्रेजी आप या तो नॉट लिखिए, या फिर आप छोटा में स्टूडेंट का यूज कर सकते हैं। अपमान करना का अंग्रेजी होता है इंसल्ट, और अध्यापकों की का अंग्रेजी होगा टीचर्स। विद्यार्थियों को अध्यापकों की अपमान नहीं करनी चाहिए, स्टूडेंट्स शुडंट इंसल्ट टीचर्स। आप चाहें तो शुड के बाद नॉट का भी यूज कर सकते हैं, यानी आप ऐसे भी बोल सकते हैं, स्टूडेंट्स शुड नॉट इंसल्ट द टीचर्स।
तो फ्रेंड्स आपने देखा कि ट्रांसलेशन का काम कितना इजी है। अगर आप इंग्लिश में परफेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियोज को स्टेप बाय स्टेप देखिए, क्योंकि मैंने अभी तक 180 प्लस वीडियोज बनाए हैं और तकरीबन हर टॉपिक पर मैंने वीडियोज बनाए हैं और मैंने ट्रिक से समझाया है कि कैसे आप इसको ट्रांसलेट करें या फिर कैसे बोलें। आइए फ्रेंड शुड के बारे में कुछ और डिटेल लेते हैं। फ्रेंड्स आइए अब शुड हैव का कंसेप्ट देखें। कई बार चाहिए के साथ कुछ रखने वाली बात कही जाती है, जैसे आपके पास पैसा होनी चाहिए, आपके पास किताबें होनी चाहिए, आपके पास एक घर होनी चाहिए, आपके पास सब्र होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स कई बार हमें कहना होता है कि आपके पास कोई चीज होनी चाहिए, तो चाहिए के साथ हम रखने की बात करते हैं। तो इस सेंस में हम शुड हैव का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, मैंने एक एग्जांपल लिखा है, आप गौर करिए, आपको कंसेप्ट बड़े आसानी से समझ में आएगा। आपके पास गरीब लोगों के लिए प्यार होनी चाहिए। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। आपको अंग्रेजी में कहते हैं यू, पीछे चलिए फ्रेंड्स, होनी चाहिए के लिए हम लिखेंगे शुड हैव। प्यार को कहते हैं लव, के लिए का अंग्रेजी होता है फॉर, गरीब लोगों को कहते हैं द पुअर। कैसे ट्रांसलेट किया फ्रेंड्स, जो वर्ड सबसे पहले था मैंने उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखा, फिर पीछे से एक एक वर्ड का अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आया। You should have love for the poor, यानी आपके पास गरीब लोगों के लिए प्यार होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। उसके पास समय होनी चाहिए, उसके पास, उसके का अंग्रेजी होगा ही, अगर बात किसी मेल की हो रही हो या किसी पुरुष की हो रही हो। होनी चाहिए यानी should have। समय को कहते हैं time। उसके पास समय होनी चाहिए, ही शुड हैव टाइम। फ्रेंड्स अगर मुझे कहना हो आपके पास दिमाग होनी चाहिए, तो इसका ट्रांसलेशन होगा यू शुड हैव सेंस। आपके पास शांति होनी चाहिए, यू शुड हैव पीस। आपके पास धैर्य होनी चाहिए, यू शुड हैव पेशेंस। आपके पास एक लैपटॉप होनी चाहिए, यू शुड हैव अ लैपटॉप। आइए फ्रेंड्स शुड का अगला कंसेप्ट देखते हैं। आइए फ्रेंड्स शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज देखें कि परफेक्ट टेंस में शुड का क्या यूज है। फ्रेंड्स शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज हम तब करते हैं जब हमको ये कहना हो कि गुजरे हुए वक्त में यानी पास्ट में कोई ऐसा काम था जिसे कर लेना चाहिए था लेकिन वो काम नहीं किया गया, यानी काम पूरा नहीं हुआ। जैसे आपको सुबह में पढ़ना चाहिए था, बातों से पता चला कि गुजरे हुए वक्त में आपको ये काम करना चाहिए था लेकिन आपने ये काम नहीं किया। मुझे रोज दो वीडियो अपलोड करना चाहिए था, बातों से पता चला कि मुझे ये काम करना चाहिए था, रोज मुझे दो वीडियो अपलोड करना चाहिए था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। आपको उसे पीटना चाहिए था, बातों से पता चला कि गुजरे हुए वक्त में आपको ये काम करना चाहिए था लेकिन आपने ऐसा काम नहीं किया। आपको पैसा बचाना चाहिए था, बातों से पता चला कि गुजरे हुए वक्त में आपको पैसा बचाने का काम करना चाहिए था लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो फ्रेंड्स जब आपको कहना हो कि गुजरे हुए वक्त में यानी पास्ट में कोई काम करना चाहिए था या हो जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं हुआ या नहीं किया गया, तो ऐसे जज्बात को आप शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म की मदद से बोलते हैं। कैसे बोलते हैं फ्रेंड्स, यहां खुद देख लीजिए। आपको इंतजार करना चाहिए था, आपको का अंग्रेजी होगा यू, चाहिए था का अंग्रेजी होगा शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इंतजार करना का फ्रेंड्स वेट होता है लेकिन हम थर्ड फॉर्म में लिखेंगे वेटेड। यू शुड हैव वेटेड, आपको इंतजार करना चाहिए था। आइए फ्रेंड्स इसको भी ट्रांसलेट करें। आपको समय पर दवा लेना चाहिए था, आपको का अंग्रेजी होगा यू, चाहिए था का अंग्रेजी होगा शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म।
लेना का अंग्रेजी टेक होता है फ्रेंड्स, लेकिन हम लिखेंगे टेकन, क्योंकि टेक का थर्ड फॉर्म टेकन होता है। दवा को कहते हैं मेडिसिन, पर का अंग्रेजी होता है आन और समय का अंग्रेजी होता है टाइम। फ्रेंड्स, समय पर के लिए आप इन टाइम भी लिख सकते हैं। समय पर के लिए इन टाइम और ऑन टाइम दोनों लिखा जाता है, लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क है। इन टाइम का मतलब होता है समय रहते, और ऑन टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट समय पर या ठीक समय पर। जैसे अगर मैंने आपको 1 बजे बुलाया और आप 1 बजने में 2-4 मिनट कम रहने पर ही आ गए तो कहा जाएगा इन टाइम। लेकिन अगर मैंने आपको 1 बजे बुलाया और आप एग्जैक्ट 1 बजे ही आए तो कहा जाएगा ऑन टाइम। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोज बहुत काम के हैं और कोई भी अंग्रेजी सीख सकता है, इसे शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।